सारे फोन एक जगह इकट्ठा हो गए और उस फोन पर कम से कम 5 बरस 5 7 बरस का लड़का खड़ा हो गया। बाहर जाड़े में मैं सोता था, हमारे दोनों लोग जो नीचे चादर बिछा कर। अच्छा, जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि रात का वक्त है, परिक्रमा मार्ग पर हूँ, गिरिराज जी महाराज के पास हूँ, और देख रहे होंगे कितने भक्त और श्रद्धालु आ जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज जी हैं मेरे साथ दो। अब दोनों महाराज जी क्या हैं कि दोनों महाराज जी की जोड़ी है, ये कहीं रुकते नहीं। ना इनका कोई आश्रम है, कोई ठिकाना आश्रम है, ना कोई इनका ऐसा है कि जैसे अब परिक्रमा लगा ली, सुबह परिक्रमा लगा ली या रात को परिक्रमा लगाई तो रात को कहीं रुक गए आश्रम में, या कहीं गुरु जी के पास रुक गए, या फिर दिन को परिक्रमा लगाई तो सुबह कहीं रुक गए, या कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि परिक्रमा लगाई तब आराम किया, कुछ नहीं है। अनवरत बिना रुके परिक्रमा लगाते ही रहते हैं, जब मन किया तब बैठ गए, जब मन किया तब लगाने लग गए। खाने की पीने की क्या व्यवस्था है ये महाराज जी से जानूंगा कि खाना पीना कैसे होता है, कैसे रहते हैं, कैसे ऐसे जो नियम है ये कैसे नियम बनाया। तो जय श्री राधे महाराज जी। तो क्या नाम है महाराज जी आप दोनों का? राजेंद्र। अच्छा, तो राजेंद्र है, राजेंद्र नाम है। अच्छा, कहाँ से हो महाराज जी? अयोध्या के पास जो है। अयोध्या के पास से जी। आप कहाँ से हो महाराज जी? गोरखपुर। गोरखपुर। अच्छा, तो महाराज जी परिक्रमा लगाते हो आप गिरिराज जी की? हाँ, परिक्रमा हमारी 3 महीने से तीन बराबर चल रही है। इनका साथ हुआ महाराज का यहाँ रास्ते में। अच्छा, ये भी अकेले थे, हम भी अकेले थे। अच्छा, दोनों का साथ हुआ। इसके बाद लोग बोले कि परिक्रमा लगाओ, तो हमने कहा परिक्रमा का अर्थ क्या निकला जी, तो लगाने लगे तो ज्ञान हमारा बढ़ने लगा। अच्छा, तब से परिक्रमा चल रही है। तो मतलब महाराज जी जो परिक्रमा लगाते हो आप, तो कहीं रुकते हो इसके बाद में कि कोई ठिकाना है, ठोल ठिकाना है? नहीं, कहीं नहीं है। जैसे कि परिक्रमा लगाते हैं, कहीं इच्छा होती है तो सो जाते हैं। अच्छा, कहीं भी रास्ते? हाँ, रास्ते में कुछ खाना मिल जाता है, उसको जो मिल जाता है उसको मिल जाता है तो खा लेते हैं। जाड़े कैसे कटते हैं महाराज? जाड़े तो यही कट गए। कैसे? लकड़ी मतलब जली थी ठंडी में। तो रात में कैसे सोते थे? मतलब कोई रजाई, कोई कंबल? कंबल उम्बल था, कंबल महाराज जी दिए थे। अच्छा, जहाँ रुकते हैं वहाँ से ही ले लेते हैं? हाँ, कंबल महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्दी यही कटी। अच्छा, यहाँ महाराज जी, महाराज जी ने दिए थे। हाँ, वैसे कोई अपना कुछ भी नहीं है? नहीं, अपना वैसा खाली यूं ही घूमते रहते हैं। हाँ, पक्कड़ बाबा की तरह। अच्छा, तो महाराज जी कितना वक्त हो गया ऐसे भक्ति में आपको? हमको तो आपकी अब यही आए हैं, लगभग 4 महीना हो गया। अच्छा, महाराज जी आपको 4 महीना? 7-8 महीने। 7-8 महीने से मंदिर में रहे। अच्छा, तो मन में कैसे ये मतलब गृहस्थ से हैं आप या फिर सन्यासी हैं? नहीं, हम तो गृहस्थ ही जीवन था। अच्छा, गृहस्थ से हैं आप? हाँ। तो आप महाराज जी आते जाते रहते हैं? आप भी गृहस्थ से? तो बच्चे वगैरह सब होंगे? अच्छा, आते जाते रहते हो। लेकिन अब ऐसे कैसे लीन हो गए बिल्कुल एकदम? अरे, अब 4 महीना हमको हो गया। मैं बता, आए थे विचार, मैं कृष्ण जन्माष्टमी गया हुआ। अच्छा, और मैं 4 दिन के लिए आया, लेकिन 7 महीना से ऊपर हो गया। मैंने 7 तारीख के बाद 8वें महीने प्रवेश कर गया। तो ऐसा कैसे महाराज जी? तो सोचते हैं कल जाऊंगा, कोई पूछता है हमसे कब जाओगे, तो सोचते हैं ठीक है कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। करते करते महीनों निकल गया, 84 को उसका परिक्रमा भी किया। तब तक मैं वहाँ गया था बांकी बिहारी बिहार पंचमी को, दर्शन किए, वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ से 1 दिन के लिए मैं आया यहाँ परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन का। मैं सोचा कि बरसाना में मैं रहता हूँ श्रीमान राधा मान बिहारी जी के। अच्छा अच्छा, जो आप जानते होंगे, श्री रमेश बाबा जी महाराज। अच्छा अच्छा, तो विगत 3 वर्षों में वहीं रहता हूँ। अच्छा, तो राधाष्टमी का भी दर्शन हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी का हुआ। तो 84 को परिक्रमा भी गए थे, उसमें भी हम गए थे 35 दिन के। तो वहाँ से आए तो मैं सोचा कि डायरेक्ट मैं क्यों बरसाने जाऊँ, मैं 1 दिन के लिए गोवर्धन के लिए रुक जाता हूँ, परिक्रमा कर लेता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। नहीं, बरसाना चला जाऊँ। अच्छा अच्छा, और बरसाना के बाद फिर देखा जाएगा क्या प्रोग्राम बनेगा। तो एक परिक्रमा करने के लिए मैं उतरा, और तब तक मैं गया, बाबा मिले, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी पकड़ के मैं बरसाने जाऊंगा। बाबा बोले कि नहीं, गाड़ी नहीं मिलेगी, आप यहीं रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे। गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, गाड़ी नहीं मिली। फिर उसके बाद इनको खोजते हुए मैं जो है नारद कुंड पे पहुंचा, संयोग से वहीं मिल गए। फिर इनको पकड़ा साथ में, उसी दिन से परिक्रमा चल रही है। पहले मैंने 5 परिक्रमा सोचा, फिर 7 परिक्रमा सोचा, फिर 11 परिक्रमा सोचा,
करते करते फिर 21 कर लो, फिर कहा कि नहीं 27 कर लो, फिर कहा कि नहीं 51 कर लो, करते कहा 108 कर लो। अंत में मैं इसका अनुभव, एक महाराज जी थे यहीं, इन लोगों के साथ में रहते हैं, उससे बैठते हैं, गिरिराज जी को जो है परिक्रमा करते, आपको इतने वर्ष मतलब दिन हो गए और इतने वर्षों से आते जाते हो, तो आखिर में आपको क्या मिला? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर आपको क्या मिला? आपको तो गिरिराज जी बहुत धन वर्षा करते हैं। तब तक मैंने देखा उसी रात को माँ की जो अष्टमी थी, अष्टमी के सुबह 7:11 पर मैंने देखा टाइम मोबाइल से, तो मैंने देखा 7:19 हो रहा है, उसमें मैंने देखा कि 20-25 सांप हैं, उस सांप को कोई पकड़ कर ले आया और एक जगह इकट्ठा बाहर ऐसे कमरे में से बाहर गया, सारे सांप एक जगह इकट्ठा हो गए, सारे फन एक जगह इकट्ठा हो गए और उस फन पर कम से कम 5-7 वर्ष का लड़का खड़ा हो गया सामने से। अच्छा हाँ, और खड़ा हो गया, मैंने बोला जय श्री, मैं बोला जय इंद्र भगवान, प्रणाम मैंने किया, जैसे तुरंत नींद टूट गई, यही मैं सोया था। अच्छा। और जब टूटा तो मैंने देखा कि तू मैं बिस्तर पर हूँ। मैंने कहा वास्तव में जो लोग कहते हैं कि विष्णु पर्वत है, श्री गोवर्धन नाथ जो है वो साक्षात विष्णु है कृष्ण स्वरूप में, तो साक्षात ये है, विष्णु ही पर्वत है, इसमें कोई दोराय नहीं, मैं कथाओं में सुना जो हूँ सत्य है, बिल्कुल सही बात। तब से मैंने विश्वास हो गया कि विष्णु पर्वत के स्वरूप में यह है, और बरसाने ब्रह्मांचल पर्वत है और नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत है। तो तब से और ज्यादा लग गए वक्त। उसके बाद एक इसको बोला जाता है कि मोक्ष दायिनी महापर्वत है, तो ये भी बात सत्य है, क्योंकि इसमें कई मतलब बीच में अनुभव हमको प्राप्त हो गए हैं, जो हर बात को बताया नहीं जा सकता है, कुछ कुछ बातें होती है जो अपनी रखना रखी जाती है, सही बात है भक्तों के लिए। हाँ ठीक है ना, इसलिए उसको कहा जाए समान नागरिक के लोगों के प्रति, जो मान लीजिए उस लाइन में नहीं है तो उसको कुछ अटपटा जैसा लगेगा, बिल्कुल सही है, कि इसका दिमाग सरक गया है, चाहे इस तरह की बातें हैं, या आउट ऑफ स्टेशन बोल रहा है, या बीबीसी लंदन से बोल रहा है, इसलिए उस चीज को केवल अंतरात्मा ही जानती है। दूसरी चीज, मन का भाव जानता है। दूसरी चीज, मैंने इस परिक्रमा मार्ग में कोई आश्रम वाला आश्रय देने का परिलक्षित नहीं है कि वो दे सके, और देता भी मैं इस परिक्रमा मार्ग में मैं चलता था, शुरुआत में तो नामदेव कलाधारी आश्रम है, उसके बाहर हम लोग पूरे जाड़े में इतनी ठंडक थी, बाहर जाड़े में मैं सोता था, हम और दोनों लोग जो नीचे चद्दर बिछा कर गए। अच्छा। स्टेशन पर सोते थे, वहाँ कभी कभी 12 बजे की, लोग कहते हैं हम लोग पढ़े थे इतिहास में कि रेगिस्तानों में क्या कारण है कि सूर्य ढलने के बाद जो है धीरे धीरे मौसम जो है गर्म रहता है, लेकिन धीरे धीरे मौसम ठंडा होने परिवर्तन होता है, तो 12 बजे 1 बजे रात के बाद खूब ठंडी हवा बहती थी और शरीर के अंदर हार्ट की जैसे लगता था कि अब बंद हो जाएगा, तब बंद हो जाएगा, कपकपी होने लगती थी, और एक चादर ओढ़ करके उसी परिवहन विभाग के जो यात्री प्रतीक्षालय है उसमें सोते थे, पूरे जाड़े निकाल दिए, उसके बाद वहां से धीरे धीरे जो है यहाँ आए और जो है परिक्रमा मार्ग में जो है महाराज जी का आश्रय मिला,